सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी. आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIMs at 50% टाइल. आई थिंक थंबनेल देख के आप कुछ देर के लिए तो लिटरली शॉक होगे. एंड जब मुझे मेरी टीम ने ये कंटेंट दिया तो मैं भी शॉक्ड थी. देन आई वेंट थ्रू द कंटेंट एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो इसकी रियलिटी चेक करने के लिए यू नीड टू वॉच द कंप्लीट एपिसोड. सो लेट्स बिगिन. So welcome back to this episode, IIMs at 50%. वैसे तो earlier there used to be 20 IIMs in the list, right? From Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Kozhikode, Lucknow, Indore, right? And then कई सारे नए IIMs include हुए होते गए. And इस साल एक और IIM that was earlier known as NITI and now IIM Mumbai के नाम से add हो गया इस list में. अगर मैं in general इन सारे IIMs के cut off की बात करूँ तो ए बी सी आप जैसे देख रहे हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा 99 to 100% अहमदाबाद, 99 to 100% आई एम कैलकटा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, 98 to 99% आई एम लखनऊ, 97 to 98 आई एम इंदौर, कोझिकोड़े 97 to 90% आई एम शिलोंग, 90% ये फाइनल कट ऑफ है अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो. उसी तरीके से अगर आप आई एम उदयपुर देखें, आई एम रोहतक देखें, तो आई एम उदयपुर जो है 92 to 94%. देन एक कैप काउंसिलिंग भी होती है जहाँ पे लास्ट इस साल मिनिमम कट ऑफ 92% पे यू कैन अप्लाई टू दोज मल्टीपल आई एम जो कि नए आई एम्स हैं. देन आई एम रोहतक 96 to 97%, आई एम विशाखापट्टनम 94 to 95%, ट्रिची 94 to 95%, बोध गया 94 to 95%, आई एम नागपुर 94 to 95%, जम्मू 94 to 95%, ऐसी काशीपुर है, संबलपुर है, सिरमौर है, अमृतसर है, रांची है, रायपुर है. आप सभी को देखोगे 94 to 95%, 95 to 96, 94 to 95%, ये कहीं ना कहीं परसेंटाइल है. बट अगर हम एक सेफर साइड की बात करें तो अगर आप बेबी IIMs, न्यू IIMs को टारगेट कर रहे हैं तो इन एनी केस आपको 92+% पे ऑल आने के चांसेस रहते हैं. और अगर आप ओल्डर IIM को टारगेट कर रहे हैं तो 98+% जो है व्हेन इट कम्स टू IIMs इज रिक्वायर्ड नाउ. बट यू कैन गेट दीज IIMs विद इवन लोअर परसेंटाइल अगर आपके पास कैटेगरी है. अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ओल्डर एंड जैसे IIM लखनऊ की बात करें, ये ओल्डर IIM की कैटेगरी में आता है. और अगर मैं बात करूँ तो जनरल वाली कैटेगरी के लिए जो इन्होंने ओवरऑल कट ऑफ दिया है 90, वैसे 90 पे कॉल नहीं आता है IIM लखनऊ का, 98 percentile पे आता है. बट अगर आप देखोगे तो इन सभी IIMs में क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दो फीस गवर्नमेंट जैसी नहीं है बट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो दे हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एवरी सिंगल कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरी, फॉर एसटी कैटेगरी, फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी. तो अगर आप एसटी एससी कैटेगरी को देखोगे तो उन्होंने 65 राइट. That means अगर students उतने percentile वाले नहीं रहे तो 65 पे भी call आ सकता है. But आप comparatively बहुत कम percentile पे call expect कर सकते हो. पर older में फिर भी I mean जैसे कि यहाँ पे 90 है तो आपको 99 चाहिए. उसी तरीके से अगर यहाँ पे 65 है तो 75-80% इस category में भी चाहिए, इस category में भी चाहिए और इस कैटेगरी में भी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कितने एप्लीकेंट्स हैं. यहाँ पे कैटेगरी वाइज में क्या होता है, डिपेंड करता है परसेंटाइल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के क्या रहे. लेट्स से फॉर एग्जांपल दो सीटें हैं IIM लखनऊ के अंदर. अब अगर यू नो जो एससी कैटेगरी वाला परसेंटाइल वाले स्टूडेंट जो हैं वो स्टार्टी 70 से हो रहे हैं तो वो 70 वाले को कॉल देंगे. फिर देयर इजंट एनीथिंग कॉल्ड कि अच्छा मिनिमम 90 percentile जो है वो रिक्वायर्ड है. इसी के साथ साथ अगर हम IIM रोहतक की बात करें राइट, तो रोहतक में आप जनरल कैटेगरी के लिए 95 देखेंगे, वेयर एज अगर आप एसटी के लिए देखेंगे 30, मतलब इवन 50 percentile पे कॉल आने के चांसेस हैं. एससी 55 percentile पे कॉल आने के चांसेस हैं. एंड मैंने लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट्स को, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अराउंड 60 percentile कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कॉल जाते हुए देखे हैं नए IIMs. और इवन जो IIMs नए कोर्सेज लेकर आते हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स को IIM लेकर आ गया या बिजनेस एनालिटिक्स लेकर आ गया, तो नए कोर्सेज के लिए भी बहुत कम परसेंटाइल पे कॉल जाते हैं. अगर आप
EWS के लिए देखेंगे तो जनरल EWS में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. OBC में भी आई मीन स्टिल देयर इज कंपटीशन, बट SC ST विद अ वेरी लेसर परसेंटाइल स्टूडेंट्स कैन गेट कॉल. अब उसी तरीके से एक और IIM जो तीसरा हमने लिया है, बेबी IIMs, न्यू IIMs की कैटेगरी में, ओल्डर थोड़े से मीडियम लेवल और नए IIMs में, यहाँ पे आप देखो 55 SC ST कैटेगरी 40% दे रखा है. मतलब विद 50-55% यू कैन गेट अ कॉल, राइट? तो IIMs at 50% टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम अ कैटेगरी, दे हैव दिस बेनिफिट ड्यू टू दिस रिजर्वेशन थिंग, ठीक है. बट आई हैव सीन कि ऐसा नहीं कैटेगरी में बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं रहता. कई सारे ST SC वाले बच्चे 97-96% भी स्कोर करते हैं, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज रहती हैं हर साल. ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल आता है, तो आपको कॉल तो आ जाता है अगर आप सेकेंड लेवल की शॉर्ट लिस्टिंग में प्रॉपरली परफॉर्म करोगे, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे, यू हैव ब्राइटर चांसेस टू गेट इनटू ऑल दीज कॉलेजेस. एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन टेक एडवांटेज, बिकॉज मुझे लगता है जनरल कैटेगरी वाले के कंपेरिजन एक ST SC वाले के पास बहुत एडवांटेज है. मतलब 30-40% का गैप होना या 20% का, इट्स नॉट ईजी थिंग, यू नो, बिकॉज कैट इज नॉट एन ईजी एग्जाम. अगर आप एवरेज पैकेजेस किसी भी, इवन अगर आप ए का भी उठा के देखोगे 99 की जगह अगर किसी को 85 पे कैटेगरी की वजह से कॉल आ रहा है, देन ऑल्सो इट्स अ बिग थिंग. तो अगर आप ये ग्रैप कर सकते हो, यू हैव दिस एडवांटेज, राइट? इट जस्ट नीड दैट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज. अगर इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक सो कि और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो आप प्रॉपरली स्ट्रेटजाइज करो, परफॉर्म करो, गिव योर बेस्ट. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.